पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खफास आसिफ द्वारा दिया गया बयान स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी एवं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के इशारों पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा ये स्पष्ट करना, कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सभी एक पेज पर हैं, इससे स्पष्ट होता है कि अलगाववाद की भाषा, देश को तोड़ने की भाषा, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात, शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत के नाम बदलने की बात, एससी ओबीसी और एसटीओ का आरक्षण बदलने के जो आदेश हैं, डिक्टेशन है, वो पाकिस्तान से गांधी व अब्दुल्ला को मिल रही हैं। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान धारा 370/35 से वापस लेने के एजेंडे को राहुल गांधी व फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के इस रहस्यदौन से स्पष्ट होता है कि एनसी कांग्रेस का नेतृत्व केवल पाकिस्तान की कठपुतली के रूप में जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता, पाकिस्तान और पाकिस्तान की ट्यून पर नाचने वाले, पाकिस्तान की कठपुतली की तरह डांस करने वाले अब्दुल्ला राहुल गांधी इनके एजेंडे को लागू नहीं होने देगा और 370 और 35 से वापस लाने का पाकिस्तान का, राहुल गांधी का, अब्दुल्ला उसका जो एजेंडा है वो एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना बन के रह जाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है तब तक 370 और 35 से आ नहीं सकती। आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिस सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाई है। अब दोबारा जम्मू कश्मीर को किसी भी बेड़ियों में बंधने नहीं दिया जाएगा और फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जिस तरह पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, इससे वो एक्सपोज हो गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान की डिक्टेशन से, पाकिस्तान की ट्यून पे एक पाकिस्तान के पीआरओ की भूमिका राहुल गांधी एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला निभा रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।